मुहर्रम की नियाज। हमारी यहाँ मुहर्रम के महीने में रंग बिरंगे शरबत, रोटी की चूरी और खिचड़े पर नियाज दिलवाई जाती है। क्या और भी किसी चीज पर नियाज दिलवा सकते हैं? और इसी चीज पर नियाज क्यों दिलवाते हैं? और इसी दिन क्यों नियाज दिलवाते हैं? इन पर नियाज देने में कोई हर्ज नहीं है कि ये हलाल तैयब चीजें हैं। इसी तरह इन ही पर देना शर्त नहीं है। किसी भी खाने पर अगर नियाज देंगे, पानी कोई साले स्वाब के लिए या कोई और चीज़ देंगे, किसी को कपड़े दे देंगे नियाज की नियत से, किसी को दीनी किताबें दे देंगे, मदनी रसाइल दे देंगे, सबका ही साले स्वाब हो सकता है। आशूरे के दिन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन और इनके रफका मैदान करबला में बड़ी मजलूमियत के साथ शहीद हुए थे और बड़ा जुल्म सितम इन पर ढाया गया था। तो यूँ ये एक इंतहाई कर्बनाक और दर्दनाक बाब है हमारी तारीख का। तो चूँकि यानी कि ये बहुत ज़्यादा इन पर जुल्म हुए थे तो ये ज़्यादा यादगार बन गई इनकी। तो मुसलमान जो हैं इनसे मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करनी भी है, अंडरस्टूड है। इस तरह मोहब्बत में इनको इसाले सवाब कसरत से किया जाता है, तो इसाले सवाब करना चाहिए। लेकिन मुहर्रम या 10 तारीख ये शर्त नहीं है, साल में कभी भी कर सकते हैं। और 10 तारीख को करते हैं ये भी अच्छा है, एक मतलब एक उर्फ है, रूटीन है, तो इसको ये गलत तो है ही नहीं, मगर इसको लाजिम कंपल्सरी वाजिब ना समझे। एक अम्र मुस्ताहब है, जो करे सवाब का हकदार है, ना करे गुनाहगार नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु।